बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है, इसे मजबूत बनाने के लिए एक कदम बढ़ाएं, एक कदम भीम मिशन की ओर को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। जय भीम साथियों, मैं विशाल कुमार हाजिर हूं आपके बीच बड़ी खबर और बड़े खुलासों के साथ। आज की इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है बल्कि कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर बहुजन कब तक करते रहेंगे ऐसा, आखिर बहुजन आपस में कब तक झगड़ते रहेंगे और आखिर बहुजन आपस में एक दूसरे पर कब तक आरोप लगाते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी खबर तो हम ये बताएंगे कि आखिर बहुजन समाज के कुछ व्यक्ति इस तरीके से आपस में जो लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, उन व्यक्तियों के बारे में हम बात करेंगे और उनका दिमाग का इलाज आखिर कब होगा, इस मुद्दे पर भी हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास हो जाती है बहुजन समाज के व्यक्तियों के लिए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आज आप इस वीडियो को हर एक बहुजन समाज के व्यक्ति तक पहुंचाकर शेयर अवश्य कर दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि हर एक बहुजन समाज के व्यक्ति को पता चल सके इन महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में, क्योंकि साथियों हर कोई इन मुद्दों को नहीं उठाता, क्योंकि साथियों हम इसीलिए उठा रहे हैं कि आखिर हम बहुजन समाज को एक देखना चाहते हैं, इसीलिए हम इन मुद्दों को उठा रहे हैं, क्योंकि साथियों हमारा बहुजन समाज इस समय आपस में ही झगड़ने में लगा हुआ है। तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कर रहे हैं। बहुजन नेताओं के पीछे बहुजन समाज आपस में झगड़ने लगा है। आम बहुजन समाज का व्यक्ति ना तो वो कोई राजनीति से संबंध रखता है, ना ही किसी राजनेता से संबंध रखता है, पर वो राजनेताओं के चक्कर में पड़ के आपस में ही अपना भाईचारा खो बैठा है। तो साथ में प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। हम आपको अब पूरा मैटर, पूरी खबर विस्तार से समझाते हैं। साथियों सबसे पहले मैंने ये मैटर उठाया क्यों, ये बात आपको बता देता हूं। साथियों जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ था, बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था और मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव हुआ था 27 सीटों पर और उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ था। साथियों ये जंग इसीलिए छिड़ी और कहां से छिड़ी हम आपको बताते हैं। आपको पता ही कि आजाद समाज पार्टी की तरफ से बुलंदशहर में हाजी आमीन आजाद समाज पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़े और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने वहां पर एक बार नहीं करीब दो बार गए, यानी कि बुलंदशहर में चंद्रशेखर आजाद ने एक बार रैली की और एक बार रोड शो किया। साथियों अब सवाल यह खड़ा हो रहा है, चंद्रशेखर आजाद पर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत हैं। साथियों हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे आखिर कैसे गलत है और हम आपको ये भी समझाएंगे हम क्यों इनको गलत बता रहे हैं। साथियों जब आपको पता है कि आपका जो विरोधी है, जब आपसे ताकतवर दिखाई दे रहा है तो आप उससे दोनों तैयारी में मैदान में उतरिए। तो साथ ही हम आपको बताते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर आजाद समाज पार्टी जो कि बुलंदशहर से चुनाव नहीं लड़ती तो बहुजन समाज पार्टी जीत जाती। सबसे पहले हम उनका डाउट, इनका सवाल का जवाब तो हम यही दे देते हैं कि जब आजाद समाज पार्टी बनी है तो वो चुनाव लड़ने के लिए बनी है, ना कि वो आजाद समाज पार्टी अपना नाम दिखाने के लिए। आजाद समाज पार्टी बनी है चुनाव लड़ने के लिए, तो वो चुनाव ही लड़ेगी, ना कि चुनाव ना लड़े। आप सोच रहे हो कि चुनाव ना लड़े तो बहुजन समाज पार्टी जीत जाए, बहुजन समाज पार्टी को यहां पर भी सोचना चाहिए। दोनों ही पार्टियां बहुजन समाज की हैं, हम किसी का विरोध नहीं करेंगे और किसी की पक्षपात नहीं करेंगे। साथ ही बहुजन समाज पार्टी को भी सोचना चाहिए, जब उसको जीतना है तो वो दोनों तैयारी के साथ मैदान में उतरे तभी सक्सेस हो पाएगी। जब भी उसको दिखाई दे रहा है कि हमारे अपोजिट एक और पार्टी है जो कि बहुजन समाज के व्यक्तियों के वोट जो कि वोट वो भी इधर अपनी तरफ खींच सकती है, क्योंकि साथियों वो आजाद समाज पार्टी बनी है, बहुजन समाज पार्टी आजाद समाज पार्टी जो बनी है वो चुनाव लड़ने के लिए ही बनी है, ना कि चुनाव ना लड़ने के लिए। आके आजाद समाज पार्टी जब बनी है तो वो चुनाव जरूर लड़ेगी। तो जो विपक्ष है उनको फुल तैयारी में उतरना चाहिए, दोनों तैयारी में उतरना चाहिए। जब आपको पता है कि मैदान में जंग लड़ने जानी है तो हमारा जो विरोधी है वो खा पी कर आ रहा है तो हमको भी खा पी कर ही जाना चाहिए जंग लड़ने के लिए। तो साथियों एक दूसरे पर आरोप लगाना बंद कीजिए, सबसे पहली बात तो ये। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन चलाते थे और आप सभी को पता है भीम आर्मी भारत एकता मिशन से युवा बहुत ही ज्यादा खुश थे और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने जब गठित की तब भी बहुजन समाज के युवा खुश हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने आजाद समाज पार्टी को गठित किया, कुछ सोच समझ के किया होगा, साथियों हम आपको ज्यादा नहीं बताएंगे, पर वो भी बहुजन समाज की पार्टी है। अगर आजाद समाज पार्टी भी सत्ता में आती तो वो भी बहुजन समाज के लिए भला करेगी, ना कि बुरा करेगी। ये बात हमने ही पूरा बहुजन समाज यही बात बोला, क्योंकि वो भी आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज के युवा ने बनाई जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद
और चंद्रशेखर आजाद पर इस तरीके से आरोप लगाना बिल्कुल गलत है कि चंद्रशेखर आजाद यहाँ से चुनाव लड़ना लड़े तो बहुजन समाज पार्टी जीत जाएगी। साथ ही इस लोकतंत्र में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान में सबको अधिकार दिया है पार्टी बनाने का और सबको राजनीति करने का अधिकार दिया है, ना कि एक ही को बोल दिया कि यही राजनीति करे। तो साथियों मेरा आपसे निवेदन है कि एक दूसरे पर आरोप ना लगाएं और आपस में ना झगड़ें। ये आपस में झगड़ना बिल्कुल गलत बात है। आप सभी को पता है पार्टी बनती है चुनाव लड़ने के लिए ही बनती है। और फिलहाल जो व्यक्ति बोल रहे हैं कि यानी कि बहुजन समाज पार्टी के बारे में भी बहुजन व्यक्ति आपस में झगड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी को लेकर, यानी कि आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बोल रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की जो मिशन था यानी जो बात थी वो सक्सेस हो गई, भारतीय जनता पार्टी को बुलंदशहर से जीत मिल गई। तो साथ ही हम आपको बता दें कि ये भी बिल्कुल गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी जो कि पूर्व बहुमत से है, केंद्र में भी है, हर राज्य में भी उसकी सरकार है एक आध दो राज्य को छोड़कर, तो साथियों वो ज़्यादा मेहनत करती है और जो अपनी बहुजन समाज की पार्टियां हम उनकी कमियां बता दें बस सोशल मीडिया पर ही हावला करते हैं बस, ना कि जमीनी स्तर पर जाकर लोगों के बीच काम करते हैं। जो जिस समय वोट डलता ना, जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर में से व्यक्तियों को ले जाकर बोलिंग बूथ पर ये कहते हैं कि वोट डालिए अपना मतदान मत खराब कीजिए, और जिस दिन वोट डलता है तो बहुजन समाज की पार्टियों के कार्यकर्ता घरों में रहते हैं, तो कैसे जीत जाओगे, कैसे सत्ता में आ जाओगे, ये बात ये सवाल खड़ा होता है। और एक दूसरे पर आरोप आप लगाते हो कि इसकी वजह से हम हार गए, कि हमारी वजह से ये हार गए और उसकी वजह से हम हार गए, ये आरोप बिल्कुल गलत है। लगाना अपनी तैयारी में उतरिए, कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ, फुल अपनी तैयारी में उतरिए। आजाद समाज पार्टी का भी आरोप लगाना गलत है, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी आरोप लगाना गलत है। कोई पार्टी नहीं लगा रही, सिर्फ ये कार्यकर्ता ही आपस में झगड़ने में लगे हुए हैं और ये इनका झगड़ना बिल्कुल गलत है। अगर आप फिर आपस में ये ऐसे ही झगड़ते रहे तो इसका फायदा और इनका जो विरोध करने वाला है, इनको जो आगे नहीं बढ़ते देखना चाहता है, वो ले जाएगा। तो साथ ही हम आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, बस हम आपसे एक ही निवेदन करेंगे कि आप आपस में ना लड़ें। और सबसे बड़ी बात तो ये खड़ी होती है कि आजाद समाज पार्टी में ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि आजाद समाज पार्टी अगर बुलंदशहर से चुनाव ना लड़े तो बहुजन समाज पार्टी जीत जाए। तो आजाद समाज पार्टी का यहाँ पर पलटवार ये आ रहा है कि 6 सीटें और भी थी उत्तर प्रदेश में, वहां से क्यों नहीं जीती। उनकी बात बिल्कुल सही है, बहुजन समाज पार्टी को भी अपने अंदर सुधार लाना चाहिए, क्योंकि साथियों मैं सच बोल रहा हूँ और सच बात कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को, जिस पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं उनको गलत लग रही होगी, पर साथियों ये बात बिल्कुल गलत नहीं है। अगर ये बात आप, अगर आप इनको सही मानकर अगर आप कार्य करोगे एक ना एक दिन अब सक्सेस होगे। साथ में हम सोशल मीडिया पर, हम जमीनी स्तर पर जमीन नजर गड़ाए रहते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, आखिर समाज कर क्या रहा है, आखिर समाज चाहता क्या है। और साथ में ये जो आपस में झगड़ने में लगे हुए राजनेताओं के पीछे वो अपने दिमाग का इलाज करा लें, अन्यथा समाज के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। आपस में जब एक ही समाज लड़ेगा तो साथ ही समाज बहुत ही ज़्यादा कमजोर नजर आएगा, और कमजोर हमें दिखाई दे रहा है इस समय, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। जब आपस में लड़ रहे हैं तो दूसरा तो फायदा ले जाएगा, जब आपको पता है एक परिवार मिलजुल कर रह रहता है तो उस पर कोई हमला नहीं कर सकता। तो ऐसे ही ये समाज का बात है, समाज जब एकजुट रहेगा तो उस पर कोई भी उत्पीड़न व अत्याचार नहीं करेगा। हमारी जो बात है, हमारा जो टॉपिक है वीडियो का, आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय, उसने वीडियो कहाँ से देख रहे हो, अपने राज्य व कस्बे सहित फुल एड्रेस सहित अपना कमेंट करें कि आप किस पार्टी के सपोर्टर हो, किस पार्टी को समर्थन करते हो, या फिर किस पार्टी को सत्ता में देखना चाहते हो। और हमने जो भी बातें बोली हैं, हमने जो भी बातें अपनी रखी हैं, ये पूरी बहुजन समाज की बातें हैं। और आप अपनी कमेंट में राय देना, आप अपनी कमेंट में राय देके ये बताना कि जो आज हमने टॉपिक उठाया ये सही उठाया या गलत उठाया, कमेंट में अपनी राय देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर वीडियो बेकार लगा हो तो आप डिसलाइक करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा डिसलाइक करें। अगर ज़्यादा बेकार लगा हो तो लाइक, अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। और बहुजन मीडिया को मजबूत बनाने के लिए एक कदम भीम मिशन की ओर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दूसरी घंटी को दबाएं, जिससे कि बहुजन मीडिया मजबूत तरीके से मैं गरीब दलित शोषित वंचितों पर हुए उत्पीड़न व अत्याचार की आवाज़ उठाता रहूं। मैं विशाल कुमार फिर मिलता हूं कि नई खबर एक नई जानकारी के साथ। जय भीम।